लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर डिसएंगेजमेंट को लेकर आज राहुल गांधी आउट ऑफ कंट्रोल हो गए। चीन के साथ सीमा विवाद बेहद सेंसिटिव मामला है। 2021 में चीन सीमा से पीछे हटा है और इस बात पर यकीन करने के लिए राहुल गांधी को भारत और चीन के संबंधों का अब तक का इतिहास पढ़ना चाहिए था। राहुल अगर रिसर्च करके प्रेस कॉन्फ्रेंस करते तो वो नरेंद्र मोदी को कायर नहीं कहते। आज राहुल गांधी जो आरोप रिसर्च किए बिना लगा रहे थे, उस रिसर्च पर आधारित रिपोर्ट हमने आपके लिए तैयार की है, सियासी दावों पर नहीं, ऐतिहासिक तथ्यों पर आधारित। सक्सेस का मतलब क्या? मैं आपके घर आया और आपने डिसएंगेजमेंट किया, आपने मुझे लिविंग रूम पकड़ा दिया, बेडरूम पकड़ा दिया और आपके सफलता हो गई। कमाल की बात कर रहे हो, घर हमारा है, सफलता किस बात की? सफलता इस बात की हो सकती है कि प्रधानमंत्री जी चाइना के सामने झुक गए, वो सफलता है चाइना की, हिंदुस्तान की नहीं। पेंगोंग लेक इलाके में चीन और भारत के बीच डिसएंगेजमेंट को लेकर जब राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी सरकार पर हमला बोला तो वो तथ्यों के साथ छेड़छाड़ कर रहे थे, इतिहास की अनदेखी कर रहे थे और सच से खिलवाड़ कर रहे थे। तथ्यों से छेड़छाड़ इसलिए कि भारत ने चीन के साथ बनी सहमति में कुछ भी नहीं गंवाया है। इतिहास की अनदेखी इस तरह कि राहुल ने अपनी पार्टी के राज में चीन के हाथों जमीन गंवाने की हकीकत पर कुछ नहीं बोला। चाइना इंडिया बाउंड्री क्वेश्चन का इतिहास और इसके तारीखी तथ्यों की चर्चा बाद में, मगर अभी सरकार से लेकर तमाम एक्सपर्ट एक सुर में ये कह रहे हैं कि पेंगोंग सो इलाके में भारत ने कुछ भी नहीं गंवाया। राहुल गांधी नहीं, उन तमाम लोगों को ये बात सुन लेनी चाहिए जो सरकार पर सवाल उठा रहे हैं। अभी जो समझौता हुआ है वह सिर्फ डिसएंगेजमेंट का समझौता हुआ है। अभी तक जैसे आप जानते हैं और आपके दर्शक भी जानते हैं कि भारत और चीन के बीच में सीमा विवाद इतने सालों से, इतने दशकों से चले आ रहा है, क्योंकि जो सीमा है वह हम लोगों ने, दोनों देशों के गवर्नमेंट्स ने इसको तय अभी तक करने में वह सफलता नहीं प्राप्त हुई है। तो जब तक ये सीमा तय नहीं हो जाती है, हम ये बिल्कुल नहीं कह सकते कि भारत का कुछ अंश या भारत का कुछ जमीन हमने दे दी है वगैरह वगैरह वगैरह। जब राहुल गांधी और कुछ तथाकथित एक्सपर्ट्स ने सरकार पर आरोप लगाया कि उसने चीन को भारत की जमीन सौंप दी है, तो हमने इस दावे की हकीकत की तह तक जाने की कोशिश की। हमने इस बारे में चाइना एक्सपर्ट से बात की। चीन में भारत के राजदूत रहे गौतम बम्बावाले ने क्या कहा, वो भी आप सुनिए। ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये बात बिल्कुल सच नहीं होगी, क्योंकि जो बयान जो दिया है हमारे रक्षा मंत्री जी ने संसद में, वो उसमें साफ जाहिर किया है और साफ कहा गया है कि पहले इस इलाके में ये विड्रॉल और डिसएंगेजमेंट हो जाएगी और उसके बाद फिर बाकी जो इलाके हैं जैसे कि गोगरा हॉट स्प्रिंग्स है या देपसांग है जिसका जिक्र हुआ है आपके शो में, उसके बारे में बातचीत दोनों देशों के बीच में, दोनों देशों के आर्मियों के बीच में हो जाएगी। और मैं तो समझता हूं कि अगर पेंगोंग सो इलाके में ये सफलतापूर्वक हो जाएगा तो दूसरे इलाकों में भी ये सफलतापूर्वक विड्रॉल और डिसएंगेजमेंट होने की आशा है। भारत और चीन के बीच पेंगोंग सो इलाके में क्या सहमति बनी, आपको फटाफट उसकी जानकारी दे देते हैं। चीन पेंगोंग लेक के उत्तर में फिंगर फोर से हट रहा है, पीएलए के सैनिक फिंगर एट से भी पूरब की ओर पीछे जा रहे हैं। फिंगर फोर से चीन करीब 8 किलोमीटर पीछे हटेगा, जबकि भारत फिंगर 3 के परमानेंट पोस्ट पर रहेगा, अपनी पुरानी स्थायी पोस्ट पर। अगर आप समझौता करेंगे तो कुछ लो और कुछ दो के बुनियाद पर होगा, और हमने ना तो कुछ बहुत ज्यादा दिया है, बिल्कुल ही नहीं दिया, क्योंकि जो पोस्ट थी आप वहां पर वापस आ गए। हम लोग जो पेट्रोलिंग करते थे वो फिंगर 8 तक करते थे, चीन जो करता था नॉर्मली फिंगर 4 तक करता था,
चीन ने भी अपनी पेट्रोलिंग रोक दी है, हमने भी अभी टेम्पररली रोक दी है, और ये फिर इसकी क्या मोडेलिटीज होंगी ये आगे चल के डिसाइड होगा। आप जान लीजिए कि चीन अपनी पुरानी पोजीशन पर गया है, भारत भी फिंगर थ्री के पास अपनी पुरानी पोस्ट पर आया है। राहुल गांधी के आरोपों और सोशल मीडिया पर चीन के साथ सहमति पर सवाल उठने के बाद रक्षा मंत्रालय ने भी एक बयान जारी किया और कहा कि भारत के हिसाब से सीमा फिंगर फोर नहीं फिंगर एट तक है, हम अपने नक्शे में ये दिखाते रहे हैं, भारत ने फिंगर थ्री पर अपनी परमानेंट पोस्ट नहीं हटाई, चीन फिंगर एट के पीछे अपनी पोस्ट तक गया है। चीन ने 1962 से ही भारत की 43,000 वर्ग किलोमीटर जमीन पर कब्जा किया हुआ है। डेपसांग, गोगरा और हॉट स्प्रिंग्स के मोर्चों पर अभी कोई सहमति नहीं बनी है। डिसएंगेजमेंट प्रोसेस पूरा होने के तुरंत बाद अन्य विवादित मसलों पर चीन से बात होगी। हमारा जो पोस्ट है वो दनसिंग तापा पोस्ट में ही था, वहां तक हम आए हैं, उसी मुताबिक फिंगर एट के पूर्वी तरफ जो चीन का जो पोस्ट है वहां तक जो है चीन वापस जाएगा। इसका मतलब ये है कि दोनों पक्ष अपना अपना जो परमानेंट पोस्ट का इलाका है उस इलाके में जा रहे हैं। इसके बीच का जो इलाका है जिसमें हमने पेट्रोलिंग का मना किया हुआ है वो रक्षा मंत्री ने साफ जाहिर किया है कि ये टेम्पररी एक मामला है। वो क्यों किया गया है ये समझना जरूरी है। आपने देखा कि जब भी ये पेट्रोल जो है आमने सामने आते हैं तो ये जो है हादसा बनने की एक गुंजाइश हो जाती है उसके अंदर, उसको रुकने के लिए और जो ये जो गर्मा गर्मी है उसको थोड़ा ठंडा करने के लिए ये माना गया है कि इस इलाके के अंदर हम दोनों नहीं पेट्रोल करेंगे, लेकिन ये जो है ये एक टेम्पररी एक कार्रवाई है। दूसरी बात, एक्सपर्ट्स मानते हैं कि इनमें से डेपसांग का इलाका सबसे महत्वपूर्ण है। मेरी नजर में तो डेपसांग का जो एरिया है सामरिक तौर पर सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण एरिया वही है, और वहां पर अगर हम डिसएंगेजमेंट का प्रोसेस शुरू हो जाता है तो मेरे लिए तो वो सबसे बड़ा एक जिसे बोलेंगे कि इंडिकेशन होगा कि हाँ ये क्राइसिस अब सच्ची में डिफ्यूज हो रहा है। अगर वो नहीं होता और ये बात चलती रहती है तो फिर मेरे ख्याल ये क्राइसिस अभी खत्म होने वाला नहीं होगा, ये क्राइसिस जारी रहेगा, और मेरे ख्याल मेरे लिए तो टेस्ट केस एक लिहाज से डेपसांग का एरिया हो। ताजा सहमति के मुताबिक भारत और चीन दोनों ही अपनी पुरानी पोस्ट पर लौटे हैं। दोनों देश अब एक दूसरे के दावे वाले इलाकों में गश्त नहीं लगाएंगे और पहली बार फिंगर थ्री से फिंगर एट एरिया में नो पेट्रोलिंग जोन बनी है, जबकि दोनों ही देश इस इलाके में एक दूसरे के कब्जे वाले हिस्सों पर दावा जताते रहे हैं। ये देखिए जो पुराने पोजीशंस थे हमारे, ये धनसिंह थापा पोस्ट हम वहां गए हैं, जो चीन जो है वो अपनी फोर्ट सिरिजैप जो होती थी फिंगर एट के ईस्ट में वो वहां पे गए हैं, और पेट्रोलिंग जो है वो बिटवीन द टू मतलब इन दोनों जगह के बीच में वो टेम्पररीली सस्पेंड हुई है, मैं टेम्पररी को अंडरलाइन करूंगा। और दो बातें इसमें हम लोगों को ध्यान में रखना चाहिए, एक कि ये जो डिस्कशंस हो रही हैं ये आर्मी लेड डिस्कशंस हैं, हमारे एक लेफ्टिनेंट जनरल हैं वहां पे जो ये डिस्कशंस को लीड कर रहे हैं, और उनको जरूर पता होगा कि हमारे लिए क्या एडवांटेजेस है और क्या डिसएडवांटेजेस है, और 9 महीने के लिए जब हमारी फौज वहां पे तैनात रही है वो जमीन यील्ड नहीं करेंगे, वो पीछे नहीं हट। चीन और भारत के बीच ताजा सीमा विवाद का इतिहास बहुत पुराना है, हम कहें कि ये अंग्रेजों के जमाने से चला आ रहा है तो गलत नहीं होगा। लेखक एजी नूरानी भारत और चीन के सीमा विवाद की शुरुआत 1846 से बताते हैं। उन्होंने इस बारे में अपनी किताब इंडिया चाइना बाउंड्री प्रॉब्लम 1846-1947 हिस्ट्री एंड डिप्लोमेसी में विस्तार से लिखा है। 1842 में चीन और सिखों के बीच सीमा को लेकर समझौता हुआ, लेकिन यह समझौता अस्थायी साबित हुआ। 1846 में अंग्रेजों ने सिखों को हराया तो पंजाब के साथ जम्मू कश्मीर और लद्दाख पर भी अंग्रेजों का कब्जा हो गया। 1946 से 1914 के बीच अंग्रेजों ने कई बार चीन के साथ सीमा निर्धारित करने की कोशिश की, मगर चीन में अंदरूनी सियासी उठापटक के चलते इंडिया चाइना की कोई फाइनल बाउंड्री तय नहीं हो सकी।
आज जो चीन और भारत की सीमा है वो लंबे समय तक भारत और तिब्बत की सीमा हुआ करती थी। भारत और चीन के बीच सीमा विवाद का असली बीज अब से करीब 106 साल पहले शिमला में बोया गया था। ब्रिटिश सरकार ने 1914 में शिमला में बॉर्डर कॉन्फ्रेंस बुलाई थी। इसमें भारत की ब्रिटिश साम्राज्यवादी सरकार, तिब्बत और चीन के नुमाइंदे शामिल हुए। ब्रिटिश हुकूमत के वार्ताकार हेनरी मैकमोहन ने चीन और भारत के बीच एक सीमा रेखा प्रस्तावित की। एजी नूरानी ने अपनी किताब में लिखा है कि चीन ने ये सीमा मानने से इनकार कर दिया था। चीन के प्रतिनिधि ने 1914 के शिमला समझौते पर दस्तखत नहीं किए थे, लेकिन अंग्रेजों ने तिब्बत के साथ चुपके से सीमा समझौता कर लिया और उसे सार्वजनिक भी नहीं किया। 1947 में भारत आजाद हुआ और 1949 में चीन में कम्युनिस्टों ने गृह युद्ध जीत कर देश पर कब्जा कर लिया। इसके बाद से चीन और भारत के बीच आधुनिक सीमा विवाद बढ़ता गया। भारत का हमेशा से कहना रहा है कि वो 1914 में तय हुई मैकमोहन लाइन को ही भारत और चीन की सीमा मानता है। वहीं चीन का कहना है कि उसने 1914 के शिमला समझौते पर दस्तखत नहीं किए, इसलिए वेस्टर्न सेक्टर यानी लद्दाख और दूसरे इलाकों में भारत और चीन के बीच सीमा स्पष्ट नहीं है। दोनों देशों के सैनिकों की भिड़ंत अक्सर इसी कारण होती है कि अब तक भारत और चाइना की बाउंड्री क्लियर मार्क नहीं है, फिर चाहे वो 2013 हो या 2020। पहली बात तो ये है कि जो लाइन ऑफ कंट्रोल या जो बॉर्डर या लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है वो डिफाइंड नहीं है, ना चीन ने किया है और ना कोई मैप पे ये तय किया है। तो ये जरूर थोड़ा, मैं ये नहीं कहूंगा कि डिफरेंस इन परसेप्शन, मैं कहूंगा कि चीन ने अपनी लाइन स्पष्ट करने से रोका हुआ है, उन्होंने सामने रखा नहीं है बात। दूसरी बात, अगर आप रक्षा मंत्री के भाषण सुने पार्लियामेंट में, उन्होंने ये भी कहा है कि जो भी जमीन चीन के ऑक्यूपेशन में है वो इलीगल है, यानी कि 38,000 स्क्वायर किलोमीटर्स जो अक्साई चीन लद्दाख के हिस्से जो चीन के कब्जे में है और जो पाकिस्तान ने इलीगली सीड किया है चीन को, वो सब भारतीय जमीन है और चीन के इलीगल ऑक्यूपेशन में है। दूसरी बात, उन्होंने कहा कि जो 90,000 स्क्वायर किलोमीटर चीन क्लेम कर रही है अरुणाचल में प्रदेश में भी, तो वो भी हमें मंजूर नहीं है। तो मेरे ख्याल से जो सॉवरेंटी और टेरिटरी के इश्यूज हैं, वो उन्होंने अपने स्टेटमेंट में क्लियर किया है। चीन को लेकर पंडित नेहरू की गलतियों और चीन की हरकतों के बारे में कई लेखकों ने विस्तार से लिखा है। 1962 के युद्ध से पहले चीन ने भारत के साथ सीमा विवाद सुलझाने का प्रस्ताव दिया था। भारतीय विदेश सेवा के दो अधिकारियों सीवी रंगनाथन और विनोद सिखन्ना ने अपनी किताब इंडिया एंड चाइना द वे अहेड आफ्टर माओज इंडिया वॉर में लिखा है, 1969 में चीन के तत्कालीन प्रधानमंत्री चाओ एनलाई ने भारत के साथ सीमा पर शांति बहाली का एक प्रस्ताव रखा। चाओ एनलाई ने पंडित नेहरू को लिखे खत में कहा कि भारत और चीन दोनों ही देश मैकमोहन लाइन से पीछे उस जगह तक चले जाएं जहां पर अभी दोनों देशों का कब्जा है। 15 अगस्त 1947 से लेकर अब तक चीन बढ़ता ही आया है और भारत की बाउंड्री सिमटती सिकुड़ती गई है। आप इस नक्शे के जरिए देखें कि भारत ने आजाद होने के बाद पिछले 73 सालों में चीन के हाथों कितनी जमीन गंवा दी। 1947-48 के युद्ध के बाद शख्स गांव घाटी या ट्रांस काराकोरम के इलाके पर पाकिस्तान का कब्जा हो गया। 1963 में चीन के साथ सीमा समझौते के तहत पाकिस्तान ने यह जमीन चीन को सौंप दी। 1950 के दशक में चीन धीरे धीरे करके अक्साई चिन पर अपना कब्जा बढ़ाता गया। चीन ने अक्साई चिन में तिब्बत और शिनजियांग को जोड़ने वाली सड़क बना ली, मगर भारत को इसका पता 1957 में चला। 1958 में प्रधानमंत्री पंडित नेहरू की फॉरवर्ड पॉलिसी के तहत भारत ने भी सीमा पर अपनी चौकियां बनानी शुरू की। 1969 में दोनों देशों के बीच सीमा पर कई जगह हिंसक संघर्ष हुए।
1962 में चीन ने भारत पर हमला किया और अक्साई चिन का 38,000 वर्ग किलोमीटर का पूरा इलाका अपने कब्जे में ले लिया। फलन को ज्ञात है कि चीन ने अनधिकृत तरीके से लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश के लगभग 38,000 वर्ग किलोमीटर पर 1962 के संघर्ष के समय से कब्जा बना लिया है। इसके अतिरिक्त पाकिस्तान ने अनधिकृत तरीके से पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में भारत की लगभग 5,180 वर्ग किलोमीटर भूमि तथा कथित चीनो पाकिस्तान बाउंड्री एग्रीमेंट 1963 के तहत चीन को दे दिया है। इस प्रकार चीन का 43,000 वर्ग किलोमीटर से ज्यादा भारतीय भूमि पर अनधिकृत कब्जा है। चीन पूर्वी क्षेत्रों में भी अरुणाचल प्रदेश की सीमा पर करीब 90,000 वर्ग किलोमीटर भूमि को अपना बताता है। भारत ने इन अनजस्टिफाइड क्लेम्स तथा अनधिकृत कब्जे को कभी भी स्वीकार नहीं किया। राहुल गांधी जब मोदी सरकार पर चीन के सामने सरेंडर करने का आरोप लगाते हैं तो कई ऐतिहासिक तथ्यों को भूल जाते हैं। वो ये भूल जाते हैं कि पिछले कुछ सालों में अलग अलग दलों की सरकारों ने कम से कम 30 बार संसद को इस बात की जानकारी दी है कि चीन ने भारत के लगभग 43,000 वर्ग किलोमीटर भूभाग पे कब्जा कर रखा है। 2006 में यूपीए के तत्कालीन विदेश मंत्री प्रणब मुखर्जी ने भी संसद को इसी बात की जानकारी दी थी। राहुल गांधी देश को ये भी नहीं बताते कि चीन ने जब भारत के इतने बड़े भूभाग पे कब्जा किया तो देश पर उनकी पार्टी यानी कि कांग्रेस पार्टी का ही राज था। 1993 में पीवी नरसिम्हा राव सरकार के जमाने में भारत और चीन के बीच सीमा पर शांति और स्थिरता के लिए समझौता हुआ। इस समझौते की नींव यूपीए सरकार के दौरान राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार शिवशंकर मेनन ने रखी थी। मेनन को चीन के मामलों का एक्सपर्ट कहा जाता है। मेनन ने अपनी किताब चॉइस इनसाइड द मेकिंग ऑफ इंडियाज फॉरेन पॉलिसी में सीमा को लेकर चीन के रवैये का इशारा किया है। उन्होंने लिखा है कि चीन बार बार लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को लाइन ऑफ एक्टिव कंट्रोल कहने पर जोर दे रहा था, हालांकि बाद में हम लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर राजी हुए। 1969 में चाउ एनलाई ने पंडित नेहरू को लिखी चिट्ठी में सीमा को यही नाम देने का प्रस्ताव रखा था। चीन ने 1993 में कांग्रेस की सरकार के साथ हुए समझौते की आड़ में भारत की जमीन पर चीन के कब्जे का रास्ता खोला, क्योंकि इस समझौते में दोनों देशों के बीच सीमा या विवादित सीमा का निर्धारण नहीं किया गया। पिछले साल अप्रैल में लद्दाख में भारत और चीन के बीच टकराव शुरू होने के बाद डिफेंस एक्सपर्ट प्रवीण साहनी ने एक लेख लिखा। 2 अगस्त 2020 के इस आर्टिकल में प्रवीण साहनी ने लिखा है कि चीन ने 1993 के समझौते को भारत की जमीन पर कब्जा करने का जरिया बना लिया। समझौते के बाद वो कई जगह भारत की सीमा के 1.5 से 4.5 किलोमीटर भीतर तक आ गए। वो इस समझौते को सीमा समझौता नहीं बल्कि शांति और स्थिरता का समझौता कहते हैं, जो तकनीकी रूप से सही भी है। चीन ने किस तरह से भारत की जमीन हड़पी है, इसकी एक झलक हमें दिसंबर 2008 में लद्दाख के न्योमा के एसडीएम की उस वक्त की रिपोर्ट से मिलती है। दिसंबर 2008 में न्योमा के एसडीएम सेरिंग नोरबू ने एक रिपोर्ट सरकार को दी थी। इसमें उन्होंने लिखा कि वो लद्दाख के खानाबदोश चरवाहों को धमकाते हैं। चीनियों ने डोगबग में चरवाहों के टेंट उखाड़ दिए, उन्हें धमकाया। चीन की एक कहावत दुनिया भर में मशहूर है, गज गज भर छीनने की बजाय इंच इंच कब्जा किया जाए। चीन के साथ अक्सर हुआ नहीं है ये कि कोई भी दूसरा देश, एक तो बाकी सारे जो देश चीन के साथ जिनकी सीमा लगती है, एक रूस को छोड़ करके बाकी सारे बहुत कमजोर देश हैं, उनकी ताकत इतनी नहीं है, वो चीन के सामने खड़े नहीं हो पाते। तो चीन धौंस और धमकी के साथ अपना बात मनवा लेता है वहां पर और जो चाहता है वो ले लेता है। अब भारत के सामने भी बहुत वर्ष यही हुआ कि वो धौंस धमकी करता था, हम लोग पीछे हट जाते थे, उस पर ज्यादा अड़िग नहीं रोते थे। इस बार हुए हैं, इससे पहले भी एक बार हुए दोकलम में भी, और हमने ये देखा कि फिर बात जो है वो वहां पर रुक जाती है, वो आगे नहीं बढ़ती। तो मेरे ख्याल वो जो आपका सवाल है कि वो जो क्यूमुलेटिव इफेक्ट था, जिस तरीके के कदम सरकार ने और फौज ने उठाए, वो तो ऑब्वियसली था।
चीन ने लद्दाख के फुकुत्से एयरफील्ड के सामने नाक्से इलाके पर 1984 में कब्जा कर लिया। 1991 में चीनी सैनिकों ने नाकोंग में और 1992 में लोगवा सार्डिंग इलाके को हड़प लिया। बरसों से भारत की जमीन पर इंच इंच कब्जा बढ़ाने वाले चीन ने पहली बार खुद ही अपने कदम पीछे खींचे हैं। पेंगोंग सो से पीछे हटते चाइनीज टैंक की तस्वीर इसकी गवाह है। अभी बनी सहमति के तहत चीन फिलहाल फिंगर फोर एरिया तक पेट्रोलिंग नहीं कर सकेगा, जबकि पहले वो ऐसा करता आया था।